हेलो फ्रेंड्स, डे टू डे रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे। समोसा सभी लोग बहुत ही पसंद से खाते हैं। समोसा बनाना बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, जिसे मैं बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊंगी। और समोसे को लोग ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी बना करके खा सकते हैं। इसे आप आसानी से कभी भी बर्थडे पार्टी फंक्शन में बना करके खा सकते हैं, या फिर वीकेंड पर भी बना करके खा सकते हैं। समोसे को बहुत लोग ऑयली होने के कारण नहीं खाना पसंद करते हैं कि काफ़ी ऑयली है। तो आज मैं आपको ऑयल फ्री समोसा बना करके दिखाऊंगी, जिसे आप कभी भी आसानी से बेफिक्र होकर के खा सकते हैं। और ये नो फैट लो फैट वाला समोसा होगा, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समोसा बनाना शुरू करते हैं। समोसा के डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। आप चाहे तो मैदा और गेहूं का आटा मिक्स करके ले सकते हैं। यहाँ पर हम 4 चम्मच ऑयल लेंगे, आधा चम्मच हमने अजवाइन ली है और आधा चम्मच हम नमक यूज करेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट लिए हैं। यहाँ पर हमने 25 से 30 ग्राम मूंगफली के दाने को रोस्ट कर लिया है, हल्का हल्का भून लिया है ड्राई। आप चाहे तो यहाँ पर काजू छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके यूज कर सकते हैं, या फिर फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं साथ में। यहाँ पर हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां का पेस्ट बना लिया है। 2 से 4 चम्मच हम यहाँ पर हरा धनिया बारीक काट लेंगे। 2 हरी मिर्च हमने बारीक काट ली है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा का हमने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा यूज करेंगे। भुने हुए जीरे का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर इसे आप तवे पर धीमी आंच पर भून करके 5-10 मिनट इसे फिर ग्राइंडर में पीस लें। 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है। 1/4 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर यूज करेंगे और नमक स्वादानुसार लेंगे। और यहाँ पर हमने 6-7 आलू उबाल लिए हैं। इसे हमने 2 से 3 मिनट हमने इसे 2 से 3 सीटी में उबाल के रख लिया है पहले से ही। ये लगभग 600 ग्राम आलू है। सबसे पहले हम समोसे का डो तैयार कर लेते हैं। इसमें हम नमक डाल देंगे, ये अजवाइन डाल देंगे और हम इसमें ये तेल डालेंगे। यहाँ पे हमने 4 से 5 चम्मच तेल डाला है। तेल डालने से जो समोसा का वो ऊपर वाला वो हिस्सा होता है वो काफी क्रिस्पी बनता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि आटे में ये जो तेल है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है आटे में 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे गूंदेंगे, और इसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है। एक साथ पानी ना डाले, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। ये हमने आटे को गूंद लिया है, तो अब हम पानी यूज नहीं करेंगे और इसे इस हथेली के पीछे से हम ऐसे ऐसे गूंदेंगे खूब। कम से कम 2-3 मिनट तक इसे हम ऐसे गूंदेंगे। ये हमने आटे को गूंद लिया अच्छे से, तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। अब हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं, या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। इसे ज्यादा महीन मैश नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा रखेंगे। ये हमने आलू को अच्छे से मैश कर दिया है, हमने इसे हाथ से अच्छे से मैश किया है और इसे ज्यादा महीन नहीं रखा है। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा खुरदुरा है। तो अब हम मसाला बनाते हैं। सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। हमने यहाँ पर 4 चम्मच तेल डाला है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, जीरा ऑप्शनल है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, हमारा थोड़ा भुन जाएगा तो उसमें हम ये जो हमने लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट तक हम भूनेंगे लो फ्लेम पे। ये हमने इसे 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ये मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च, इसे भी थोड़ा 1/2 मिनट तक भून लेंगे। मिर्ची भी हमारी भून गई है, तो अब हम इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है।
ये हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये रोस्टेड पीनट्स डाल देंगे हम, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ये आमचूर पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हम हमेशा लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। अब हम इसमें ये जो हमने भुना हुआ जीरा लिया था ये डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ध्यान रहे नमक स्वाद अनुसार ही डालें, क्योंकि नमक हमने आटे में भी मिलाया है तो उस हिसाब से ही डालें आप। इसे भी मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम मिक्स कर देते हैं और प्याज को हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, जब तक कि प्याज एकदम थोड़ा मुलायम ना हो जाए। ये हमारा प्याज भून करके तैयार हो गया है। आप चाहे तो प्याज को पहले भी डाल सकते हैं, तेल डालने के बाद उसमें जीरा डालें, जीरा डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची डालने के बाद आप प्याज डाल सकते हैं, उसके बाद आप मसाला डाल के भूनें। अब हम इसमें ये जो हमने आलू मैश करके रखा था ये डाल देंगे। इसे पहले मैश कर देते हैं। ये हमने सारे आलू डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको स्टफिंग में ज़्यादा आलू नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर आलू कम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 आलू यूज किया है, आप 5 या 6 यूज़ करें। ये हमने इसे मिक्स कर दिया है और इसे लो फ्लेम पे हम 1 मिनट तक और पका लेंगे ऐसे ही मिक्स करते हुए। एक मिनट हो गए हैं तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिक्स कर देंगे। ये इसमें हमने हरा धनिया मिक्स कर दिया है, तो हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के बाद इसे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मसाला है ये ठंडा हो गया है, तो हम इसे स्टफिंग के लिए रखेंगे। ये आटा भी हमारा 15 मिनट के लिए सेट करने के लिए रखा था, इसे थोड़ा और भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसे इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे, ये देखिए ऐसे। ये हमने 2 लोई बनाई है। अब हम इसके सूखे आटे में ऐसे लपेट देंगे और एक्स्ट्रा आटा जो है वो झाड़ लेंगे ऐसे, और इसे ऐसे हाथों से हथेलियों से ऐसे ऐसे करके गोल कर लेंगे और इसे अब हम बेलेंगे। देखिए आपको समोसे की लेयर मोटी या पतली चाहिए उसके अनुसार आप इसे बेलें। अगर ज्यादा पतला चाहिए तो पतला बेलें और मोटा थोड़ा ठीक रखना चाहते हैं तो थोड़ा मोटा ही रहने दें इसे। ये हमने इसे बेल लिया है। अब हम चाकू से इसे ऐसे पीस से काट देंगे और इसे अलग अलग कर देंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो हिस्सा है इसे ऐसे करेंगे, इसके ऊपर ये हल्का सा पानी लगाएंगे किनारे पर और इस हिस्से को ऐसे हम मोड़ देंगे और इसे हल्का ऐसे हाथों से दबा के चिपका देंगे। ये देखिए अब हम इसके अंदर ये आलू भर देंगे। मसाला आप ज्यादा कम अपने अनुसार भर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छा मसाला भरा हुआ अच्छा लगता है तो ज़्यादा भर सकते हैं, कम तो कम। अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी है इसे किनारे पर ऐसे हल्का हल्का लगा देंगे चारों तरफ ऐसे, और ये जो किनारों का हिस्सा है दोनों ऊपर नीचे इसे ऐसे चिपका चिपका देंगे। ये देखिए इसे ऐसे चिपका लें और इसे हल्का ऐसे ऐसे मोड़ लें। ये देखिए ये हमारा समोसा बन करके तैयार हो गया है। तो ऐसे ही हम सारे समोसे बनाएंगे। ये देखिए
का एक हिस्सा ऐसे मोड़ लें, इसके ऊपर फिर से ये दोबारा ऐसे पानी लगा लें और इसे ऐसे इसे चिपका लें और फिर से इसमें हम ऐसे मसाला भर लेंगे। ये देखिए, और ये पानी फिर थोड़ा सा हम किनारे किनारे लगाएंगे हल्का हल्का। इसके बाद हम इसे फिर दोनों किनारे हिस्से को आपस में ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे आप ऐसे ऐसे कर लें, इसे आप ऐसे हल्का हल्का मोड़ लें। ये देखिए, ये समोसा बन करके तैयार हो गया है दोबारा, और ऐसे ही हम सारे समोसे बना लेंगे। ये मैंने यहाँ पर 6 समोसे छोटे छोटे बना लिए हैं। अगर आपको बड़ा समोसा बनाना है, जो आटे की लोई है ये बड़ी हम लेंगे और इसे वैसे ही करेंगे, सूखे आटे में हल्का सा ऐसे फिस करेंगे, एक्स्ट्रा आटा झाड़ देंगे और इसे ऐसे दबाएंगे चारों तरफ और इसे फिर ऐसे ही बेल लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे बड़ा बेल लिया है। अब हम इसे वैसे ही काट लेंगे, दो भागों में कर लिया हमने इसे। अब इसे ऐसे ही पलट के इसके ऊपर पानी लगाएंगे। इसे हल्का सा ऐसे ऐसे दबा लें हाथों से और इसमें मसाला भर लेंगे। ये देखिए, और इसमें भी हम ऐसे पानी चारों तरफ लगा देंगे और इसे दोनों हाथों से ऐसे दबाते हुए चिपका देंगे। इसे थोड़ा शेप में ला दीजिए और नीचे वाले हिस्से को हल्का मोड़ दें। ये हमारा बड़ा समोसा बनकर के तैयार हो गया है। ऐसे ही हम ये भी बना लेंगे। आपने देखा, हमने यहाँ पर 6 छोटे समोसे और 2 बड़े समोसे बनाए हैं। तो अब हम इसे एयर फ्रायर में पकाएंगे, जो कि लो फैट होगा और आप इसे बेफिक्र होकर के खा सकते हैं। हमने एयर फ्रायर को पहले से ही प्रीहीट कर लिया है। अब हम समोसे में हल्का हल्का नाम मात्र का ऐसे हल्का हल्का तेल लगा देंगे। बस इसके चारों तरफ ऐसे हल्का हल्का घस दें। सभी समोसे में ऐसे ही घस दे रहे हैं ताकि ऊपर से थोड़ा सा चिकना हो जाए। बस हम इसमें ये तेल हल्का हल्का इसलिए घसते हैं ताकि जो समोसा है उसका कलर रेड आए और वो क्रिस्पी भी लगेगा। कि हमने इसमें हल्का हल्का तेल लगा दिया है, अब हम इसे एयर फ्रायर में रखने जा रहे हैं। हम इसमें ऐसे एक एक करके रख देंगे। ये काफी गर्म है अभी, कि मैंने इसे प्रीहीट कर रखा है पहले से ही, तो इसे ध्यान से रखें। हम इसे रख देते हैं। मैंने इसे 10 मिनट के लिए 180 और 200 डिग्री के बीच में रखा है और 10 मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसे निकाल के फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये रेड होना शुरू हो गए हैं, तो हम इसे पलट देंगे बीच बीच में। ये हमने पलट दिया और फिर से हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर से हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे 180 से 200 डिग्री पर। हमारे 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे बाहर निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए, समोसा जो है कितना रेड और क्रिस्पी बन करके तैयार हो गया है। तब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारे ऑयल फ्री समोसे बन करके तैयार हो गए हैं और आप देख रहे हैं ये रेड रेड और क्रिस्पी भी बन गए हैं। तो ये नॉर्मल समोसे की तरह ही इनका टेस्ट लगता है। ये भी काफी स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक्स भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।